अस्सलाम वालेकुम। आज है ईद का सेकंड डे। इधर हम रात वाली बिरयानी गरम करके खा रहे हैं। और अरफा अरफा का दिल करता है कि हफ्ते में 8 दिन अरफा बिरयानी ही खाती जाए, बस कुछ और बना हो तो अरफा का मूड ऑफ हो जाता है। तो बस अरफा को यही पसंद है, जब ये बनी हो तो अरफा ने नाश्ते में भी यही खानी है, लंच में भी यही और डिनर में भी यही। और हुदा खा रही है योगर्ट। आज हमें जाना है जीका गली, तकरीबन 11 बजे तक हम घर से निकलेंगे, नाश्ता वगैरह करके फ्री होकर तो तैयार होंगे, उसके बाद जाएंगे जीका गली। जीका गली में मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उन्होंने अपने घर इन्वाइट किया, उधर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि आप ईद वाले दिन आएँ, लेकिन ईद वाले दिन हमने कहा नहीं, हम ईद का दिन हम घर में स्पेंड करेंगे। और वो डोल वहाँ पे इसलिए है क्योंकि वो गीली थी, तो उसको हमने खुशा करने के लिए वहाँ पे रखा है। इसकी बहुत फनी सी बातें बनी हैं। कल जो हमारे नेबर्स में है ना भाई, वो कह रहे थे कि मैं तो डर गया था कि इन्होंने अपनी बच्ची को इधर क्यों रखा हुआ है, मैं तो भागने वाला था वहाँ से कि मैं बचाऊँ उस बच्ची को। बिल्कुल ऐसा लगता है छोटा सा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है। तो लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि इसकी वजह से चिड़िया कब्बे वगैरह इस तरफ नहीं आ रहे, उनको लगता है कि यहाँ पे बच्चा एक बैठा है। खाओगी नहीं? अच्छा किचन में ना जाना प्रेशर कुकर, किचन में मैंने रखा है मीट, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मीट बना देते हैं ताकि घर आए तो कोई टेंशन ना हो कि कुछ पकाना है। तो हुदा भाई रहो किचन में जाना, भाई रहो ये लो योगर्ट खाओ अपना। अरफाज क्या पहनेगी? अरफाज पिंक ड्रेस पहन रही है, वो बच्ची भी शीजा भी तैयार होके आ गई है। इधर आओ हुदा दिखाओ, इधर आओ हुदा बन गई है बिल्ली। इसको ये होता है कि मुझे पकड़ाएं, जो भी चीज़ है ना मुझे पकड़ाएं, मैं खुद खाऊंगी अपने हाथ से। तो ये भी एक अच्छी आदत है वैसे बच्चों में, कि बच्चों को खुद खाने की आदत होनी चाहिए। तो कल जी यहाँ पे पीसी भूरबंद में आई थी नादिया खान, तो हमने जब रात को उसका व्लॉग देखा तो हम एक्साइटेड हो गए, क्योंकि पीसी भूरबंद तो हमारे घर के बिल्कुल करीब है, 1 किलोमीटर के फासले पर है। हमने कहा हम वहाँ जाएंगे, नादिया खान से ऑटोग्राफ लेंगे, पिक्स बनवाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, रात हमारा जल्दी जल्दी से प्लान बन गया। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में जी बताया उसने कि वो वापस इस्लामाबाद जा चुकी है, 6 दिन का उनका यहाँ पे स्टे था पीसी में, और उसके बाद वो लोग चले गए इस्लामाबाद। तो हम सैड हो गए कि जी चलें, सोचा था कि सुबह उधर जाएँगे तो अब नहीं जा रहे। तो एक ब्लॉगर है नताशा वकास, वो भी 2 दिन पहले पीसी आई हुई थी, इधर पीसी वाली साइड पे चिनार हंट है वहाँ पे उन्होंने अपना हंट बुक करवाया था, वहाँ पे आई थी वो। तो नताशा वकास भी वापस चली गई इससे 1 दिन पहले। नादिया खान की तो मैं तब से फ़ैन हूँ जब से वो बंधन ड्रामे में आई हैं, मुझे तब से बंधन ड्रामा भी बहुत पसंद था, नादिया खान भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़िंदा दिल हैं, ज़िंदगी से भरपूर, हर चीज़ को एंजॉय करने वाली, खुश रहने वाली, ज़िंदा दिल है। मैंने उसको ईद दूसरे दिन के लिए उसको नूर का टाइपर बनाया थे, उसको अंडरवन भी बनाई थी मैंने, उसको फ्रॉक बनाई, कैसी लग रही है? अरफा ने ना हुदा को भी रेडी कर, हुदा कह रही हूँ छोटी सी अपनी डॉल को भी रेडी कर दी है, कहती है कि ईद के सेकंड है हम सब ने कपड़े चेंज करने हैं, तो डॉल भी कपड़े चेंज करेगी, कल पर्पल पहनना। हुदा का डायपर क्यों जाया किया है, हैं? मेहंदी लगा रही हूं, अब डॉल को मेहंदी भी लग रही है। मिनाहिल बंद करो इसको, अब यहाँ पे डॉल को मेहंदी भी लग रही है, और क्या करने वाली हो आप इस डॉल के साथ? अब खुदा को ये बहुत पसंद है अपनी डॉल, है तो ये मिनाहिल की, जब मिनाहिल हुदा जितनी थी ना तब से है ये डॉल हमारे पास, इसके ना लंबे लंबे से इतने इतने करली करली से बाल है, ये थे बाल वो उतर के। तो अब फिर बच्चों ने उसकी हाल कर दी। अरफा ने
फिर इसके साथ अरफा को इतनी खास ये डॉल पसंद नहीं है, अरफा की एक और डॉल है, अरफा उसके साथ खेलती है, अब खुदा उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मिनाहिल अरफा कर रही हैं ईद के सेकंड डे की तैयारी। अरफा का ड्रेस है पिंक और ब्लैक, मिनाहिल का है मेरून और सी ग्रीन। मेरा भी मैंने डिसाइड नहीं किया, पिंक पिंक तो मैंने कल पहना था, आज मैं कुछ और पहनूंगी। रेड नहीं, कल फिर आपने रेड पहना था। तो यहाँ पे मिनाहिल ने बड़ी प्यारी प्यारी सी मल्टी शेड चूड़ियाँ निकाल ली हैं सूट के साथ की। मैंने ईद के इनके तीन तीन ड्रेसेस बनवाए थे न्यू। तो थर्ड डे का तो इन्होंने फादर्स डे पे पहन लिया था ग्रीन वाली फ्रॉक्स। तो अब ये हैं कुछ और भी न्यू पड़े हुए हैं, छोटी ईद वाले ड्रेसेस बिल्कुल न्यू हैं, वो भी इन्होंने नहीं पहने, एक ही दफ़ा पहने हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए, बारिश स्टार्ट हो गई है, हमने कहा थोड़ी सी देर वेट कर लेते हैं, बारिश रुक जाए तो फिर चलते हैं। ये है हमारे घर की वॉचमैन, ये हमारे जाने के बाद ध्यान रखेगी घर का, ये जो डॉल है ना वो। तो यहाँ पे हम बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल निकलने वाले थे तो बारिश स्टार्ट हो गई, हमने कहा चलो 10 मिनट वेट कर लेते हैं कि बारिश रुक की जाए फिर ही जाए। अभी हम बस घर से निकल आए हैं और जा रहे हैं आज यहाँ पे, मैंने आपको बताया था जीका गली। बारिश, अच्छा ठंडा मौसम, ना अपनी बहनों की तरह। यहाँ हम भी लेने लगे हैं बेकरी से क्रीम केक। मैं खाने लगी छिल्ली, मेरी फेवरेट। मम्मा 20 की उबली हुई छिल्ली। आप जी का गली का व्यू देख सकते हैं, इतना खूबसूरत है, कैसे बादल नीचे आए हुए हैं बिल्कुल सामने, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है ये। कहाँ पे? वो सामने हमने जाना है। तो अभी हम यहाँ से, हमने कहा चलो थोड़ा सा मौसम इंजॉय करते हैं, साथ साथ छिल्ली खाते हैं, सामने वो घर है जहाँ पर हमें जाना है। अभी क्या वो ग्लास भी ले लो? अच्छा मेरा ग्लास उठा। बहुत ही खूबसूरत इनका घर है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे घर है ये, देखिए कितनी खुली टेरेस।
सामने का व्यू इधर है जी, वो सामने नाशपति, वो एप्पल है क्या, नाशपति है मनाया, नाशपति का दरख्त देखें कितना ज़्यादा माशाल्लाह इसके फ्रूट लगा हुआ है, दिल इतना फल है कि दरख्त झुका हुआ है फल से। सही कहते हैं कि फलदार दरख्त हमेशा झुका होता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है इनका। नाहिल को तो अपने फेवरेट फ्रूट मिल गया नाशपति। अच्छा भी चाहिए, बहुत इसे पसंद है। नाहिल आप क्या कर रही हो, अरफा आप क्या कर रही हो अभी, अरफा बताओ भी आपके साथ क्या हुआ थोड़ी देर पहले। हम ना मेरे मानी बैठे हुए हैं, हमें कोई डॉगी मानी को नजर आए, मानी कहती है पापा पापा डॉगी, मैं खिड़की पे बैठ गई, अंकल आए फिर उनको बुलाया, फिर मैं आ गई किचन में तो मानी तो फिर से आ गई। इनको नहीं पता था इनका एक डॉगी भी है जो जिनके घर में आए ना, इन्होंने एक डॉगी रखा हुआ है, तो इनको नहीं पता था, तो वो डायरेक्ट इनके ड्राइंग रूम में आ गया, तो अरफा की तो चीखें थी बिल्कुल आसमानों पे पहुंची हुई थी अरफा की चीखें। ये आप देख सकते हैं जी व्यू, सामने है जी बादल, ऐसे लग रहा है कि बादल बिल्कुल ज़मीन पे आ गए हैं, इतना खूबसूरत ये लग रहा है यहाँ से व्यू देखना। खुदा भी यहाँ के बहुत हैप्पी है। गोश्त में कहाँ ले जाना है? नान है। अरफा कैसा लगा आपको? बहुत 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 अच्छा। और यहाँ का व्यू देख के तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। हिल ढोलू इस जगह का नाम है, जीका गली, पहले हमें आना पड़ेगा इधर आने के लिए, पहले हम आएंगे जीका गली, वहाँ से फिर एक रास्ता इस तरफ आता है, और इस एरिया का नाम है हिल ढोलू। इधर करीब ही वो स्कूल है जहाँ पर मिनाहिल अरफा पढ़ती थी, अलाइट स्कूल, तो अलाइट स्कूल में मनाहिल 2 साल मनाहिल अरफा इधर ही जाती रही हैं, वो बिल्कुल यहाँ से करीब ही है जहाँ पे ये पढ़ती थी, तो बहुत ज़्यादा आम मरी की नस्बत ये बहुत ज़्यादा सर्द इलाका है कि यहाँ पे पूरा साल बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती, और सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा आखिर वाली होती है, लेकिन ये है इस इलाके में ये बेनिफिट है कि यहाँ पर सुई गैस है, तो सुकून से ये बता रही थी जिनके हम घर आए हैं कि हम यहाँ पे हीटर चलाते हैं, गीज़र ऑन करते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से इधर ही रहते हैं सर्दियों में भी, स्नो फॉलिंग में भी ना। वो तो जो किचन में अब्दुल्ला भैया पी रहे उसके साथ।
वो तो चाय पी लो। किसने की बताओ? वो बिल्कुल सामने है कश्मीरी बाज़ार, इस तरफ देखें तो है मोड़ा शरीफ, यहाँ का बड़ा मशहूर दरबार। पापा कहाँ पे है? पापा तेरे के इनकी शादी कर दूँ वापिस घर। सांस चढ़ गया। कितनी खुली गाड़ी में मेरे बाल स्ट्रेट करवा दिए। चिड़िया होती है, चिड़िया ही उड़ के इधर भी आ सकती है ना हमारे घर से 2 मिनट में तेज रफ्तार। आते हुए भी चली, वापसी पे भी चली। मैं मार के मर के पकड़ लो ना, उसको पकड़ लो। मानी ना को मानी, आप पे मजाक नहीं करे, पहले सच्ची में मैं तेरे पहले भी मजाक मैं
घर अपने खुदा के कपड़े मैंने कर दिए चेंज, मुझे मतलब कुछ भी जाते हुए मैं घर अच्छे तरीके से क्लीन करके गई थी ताकि जब हम वापस आए तो सुकून से बस आराम ही करें। तो बच्चों ने भी कपड़े जो चेंज किए हैं और खुदा के वो हैं और वो मेरा भाई है, ये हमने वापसी पर छली ली थी वो है। किचन भी मैं जाते वक्त अच्छी तरह से साफ करके बर्तन वगैरह वॉश करके गई थी ताकि जब मैं घर आऊँ तो सुकून हो। यहाँ पे रख दिया जी मैंने चाय, चाय उधर से पी के भी आए थे लेकिन पी थी चाय, तो बस जितनी दफ़ा भी पिए उतनी दफ़ा ही कम है। तो बस यहाँ पे मैं डालूँगी एक इलायची, बहुत अच्छा दिन गुजरा आज, ईद का सेकेंड डे बहुत अच्छा गुजरा, उनके घर जाके बहुत अच्छा लगा। और वो बार बार कह रही थी कि मेरे बेटे की शादी है तो आपने तब भी ज़रूर आना है, सितंबर में शादी है। और वो जगह इतनी खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी जगह थी वो जहाँ था उनका घर। लेकिन एक मसला था उस एरिया का कि उस एरिया में कोई भी स्कूल नहीं था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा स्कूल वगैरह, कहती नहीं इधर कोई स्कूल नहीं है तो बच्चे दूर दूर जाते हैं, स्कूलिंग जो बच्चों की है ना वो बहुत दूर दूर है। तो और वैसे भी जो ग्रॉसरी शॉप वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पे ना ऐसा वैसा, तो एक लिहाज से मुश्किल लाइफ भी है और खूबसूरत व्यू खूबसूरत लोकेशन होने के साथ साथ तो ऐसी लाइफ बड़ी मुश्किल भी होती है कि जहाँ पे आप इतना आपको करना स्ट्रगल करनी पड़े, इतनी दूर जाना पड़े, इतनी छोटी छोटी चीज़ें। एक माचिस लेने भी वो कह रहे थे हमने अगर जाना हो तो हमें वो जीका गली तक जाना पड़ता है और वो अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो वैसे भी कह रही थी कि सर्दियों में जब इतनी इतनी स्नो पड़ती है, इतनी बर्फ़ पड़ जाती है कि चार चार दिन लाइट ही नहीं आती, तो बस ये तो वो समझ सकते हैं जो वो रहते हैं उनको वो बेहतर समझते हैं कि वहाँ पे कैसे किस तरह का टाइम आता है, किस तरह से वो वहाँ पे रहती हैं। बस अभी मैं चाय बना रही हूँ तो चाय पी के मिनाही लड़का अपने पापा के साथ जाएंगी चश्मे से पानी लेने, पानी हमारा ख़त्म हुआ है पीने वाला तो वो आ जाके खुद जाके लेके आएंगी पानी।